लखनऊ की अलाया बिल्डिंग जमींदोज होने के बाद लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 12.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि अभी तक की रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। आप पहले देखेंगे कि अगर साफ तौर पर कि भी आर्मी भी यहां पर पहुंची हुई है, पूरा जो पूरा सिस्टम है आर्मी ने भी संभाला हुआ है, SDRF की टीम लगी हुई है जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने आपको एक ये होल दिख रहा है जो पूरी रात काट कर ये बनाया गया है, जिससे लगभग 3 से 4 लोग निकाले गए हैं। इसी से लगभग 3 से 4 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराया गया है और उसके बाद अब जो 3 नए लोगों को जो ट्रेस किया गया है उनको एक अलग एक नया होल किया जा रहा है, एक नया पैच बनाया जा रहा है जहाँ से उनको बाहर निकाले जाने का काम किया जाएगा, जहाँ निकालने का काम किया जाएगा। और SDRF लगातार वहाँ पर होल कर रही है और आर्मी की टीम भी वहाँ पर लगातार मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी टीम एकजुट होकर लगातार 12.5 घंटे से ज़्यादा से पहले से यहाँ पर लगी हुई है और लगभग 14 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। और अभी जो बताया जा रहा है, जो आला अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि 3 लोग अभी इसमें और फंसे हुए हैं जिनको निकाले जाने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी उनकी लोकेशन वहाँ पर पता चल चुकी है कि वो किस जगह पर हैं और उसी जगह पर लगातार जो पैच है उसको बड़ा करने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर ऑक्सीजन की भी सप्लाई की जा रही है क्योंकि 12.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं उनको दबे हुए वहाँ पर, तो वहाँ पर किसी तरीके से ऑक्सीजन की कमी ना हो उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे सामने पुलिस फोर्स और आर्मी के जो आला अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, वो लगातार कंसर्न कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको और क्लियरिटी से करके जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जाए। पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरी आर्मी यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है, यहाँ पर SDRF की टीम है और लगातार यहाँ जो मलवा है उसको भी हटाने का काम किया जा रहा है। और सबसे सुखद खबर ये है कि 14 लोग जो अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ जितने भी आला अधिकारी हैं शासन के उनकी भी पूरी नज़र यहाँ पर बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आप देखेंगे मेरे दूसरी तरफ कि पुलिस फोर्स भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगातार ये प्रयास कर रही है कि और वहाँ पर जो यहाँ पर प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द सभी को यहाँ से निकाल लिया जाए और चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए, ये प्रयास पूरी तरीके से यहाँ किए जा रहे हैं। तो साफ है कि जिस तरीके से जो 12.5 घंटे से ज़्यादा का रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है वो अभी तक की पूरी तरीके से सफल है और ये प्रयास किया जा रहा है कि 3 लोगों को भी जल्द से जल्द यहाँ पर निकाल लिया जाए।